So today I think so many people are Indian. Yeah. So what do you want? In Hindi, Hindi or in English? English, English. English. Hindi? English. Would you like Hindi? English, yeah. English. Gujarati? Then very difficult. Gujarati, then difficult. I am talking in Hindi, so Dhaniya disappears. He's going back. No need to listen. But mostly people can understand in English also. Because my English is not a real English. It seems like English, but it is Hindi. Everybody is happy here? Yes. People are happy? Very good. Aap kahan se padhare? Main Gujarat Maharashtra ki sarhad, Maharashtra se. Gujarat aur Maharashtra ki sarhad upar. Gujarat aur Maharashtra ki sarhad border. Border. Border par. Gujarat aur Maharashtra ki border hai. Wahan gaon ka naam batao. Golwad, Golwad naam hai. Golwad gaon. Golwad. Haan wo koi gaon. Kab kal padhare yaar? Nahi, aaj padhe. Aaj subah hai. Aaj subah hai. अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? हाँ जी, बहुत अच्छी बात. सो नाउ व्हाट टू डू हियर, दिस इज द क्वेश्चन. ऑलवेज दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट टू डू. लाइक ए वेटिंग फॉर गॉड इट. Only waiting. तो हिंदी में बातें करें अपन. अच्छा रहेगा हिंदी में? अच्छा रहेगा. इन लोगों को सुला देते हैं. तो एक तो तू एक भजन सुना पहले, तो फिर अपन बातचीत को चालू करें. ऐसा कर, तो हिंदी का तरीका ये है कि थोड़ी भजन हो, थोड़ा भाव हो, और फिर थोड़ी सी भावपूर्ण बात हो, तो ऐसा कुछ करते हैं. बाबा गले की हालत बहुत खराब है, फिर भी कोशिश करो. सो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग फर्स्ट. And this is the Indian style. If you want to say something, a little song needed, then start talking. Good idea? Very good. People are very happy actually. Really. Are you very happy? Yeah. Aap log theek hai? Delhi se hai aap log. कब तक है? 25 तक. मैंने सुना था दो दिन को आए हैं, तो बढ़ा दिया. अच्छा, सबसे आखिरी में मैं ही हूँ, तो मुझे तो आखिरी में हो नहीं, सब भाग जाएंगे, शायद आखिरी में मुझे ही रहना. ठीक. यस. न फूल चढ़ाओ न माला चढ़ाओ, न फूल चढ़ाओ न माला चढ़ाओ, ये गीतों की
तुझको पालूंगी एक दिन, भले इसकी खाते मैं खुद को मिटाऊं, न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा मैं तुमको चढ़ाऊं, न फूल चढ़ाऊं। मेरा सुर सजे मैं वरदान मांगू, मेरा सुर सजे मैं वरदान मांगू, मेरे नाथ संगीत क्या दान मांगू, मेरे नाथ संगीत का दान मांगू, तुम्हारी ही श्रद्धा तुम्हारी ही भक्ति, तुम्हारी ही श्रद्धा तुम्हारी ही भक्ति, तुम्हारी ही धुन में मैं मन को रमाऊं, न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, न फूल चढ़ाऊं न माला चढ़ाऊं, ये गीतों की गंगा मैं तुमको चढ़ाऊं, न फूल चढ़ाऊं। तो हम कुछ गुफ्तगू शुरू करें, इसके लिए आप लोग जिज्ञासा जरूरी है। आपकी जिज्ञासा के अनुरूप बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो किसी के दिल में, मन में नहीं दिल में, कोई जिज्ञासा खड़ी हो गई हो तो उस विषय में हम चर्चा करें। किसी के पास दिल है, तेरे पास दिल तो नहीं, प्रश्न दिल का है तो बात तो एक ही हुई ना। हाँ, दिल के ऊपर थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है कि अभी बाबा ओशो के उसने पढ़ा कि जितना जोर से बोल रहा है, कान बहरे हो गए, हृदय पे आने वाली जो विधि आपसे जानी है उसके बारे में ओशो के लेक्चर में पढ़ने में आया कि वो जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा वो पेन को बढ़ाती है, निकालती है पीड़ा को। तो यानी उस बारे में ज़्यादा अभी समझ में नहीं आया कि क्या करना, कौन सी विधि करते हैं। ऐसे कोई अलग से विधि नहीं, लेकिन पूरा दिन हृदय पे लौटना, ये वाली विधि, ये तो आपसे भी 3 साल से सुनी है, लेकिन ये डिटेल ओशो ने जो बताई कि पेन उससे बढ़ता है और उसको बढ़ने देना है, किसी तरह से हमें उसको अवॉइड नहीं करना है या फिर उसको किसी तरह बदलना नहीं है, भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, उसी पर बार बार लौटना है। फिर भी उसके बारे में एग्जैक्ट समझ में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर करना तो देखो वहाँ है ही नहीं, करने कराने का तो काम नहीं है। ये जो करने कराने का काम है ये बुद्धि का, बुद्धि हमेशा करने की भाषा जानती है और हृदय होने की भाषा जानता है। तो सीधा आप हृदय से संबंधित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हृदय का स्वभाव है वो होना, वो हृदय हमेशा होने की भाषा जानता है,
जब भी करने का ख्याल आए तो समझना तो मन का खेल है। शुरू शुरू में क्या होगा कि एक तो है हमारा भीतरी हृदय, जो सच्चा हृदय है, और एक है हमारा अंतस। अंतस बनता है संस्कारों से। जिस परिवार में तुम पैदा हुए, जिस रूप को तुमने धारण किया, स्त्री या पुरुष का, और उस पे बचपन से लगा के अभी तक के जितने संस्कार निर्मित होते हैं, उससे एक अंतस का जन्म होता है। हृदय में तो पीड़ा बिल्कुल नहीं है। हृदय में पीड़ा कैसे हो सकती है? क्योंकि हृदय बहुत ही गहराई में छुपा है, उस पे किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है कि हम कोरे हृदय लेके आते हैं और कोरे हृदय लेके जाते हैं। हमारे हृदय पे तुम्हारे मन को कोई डिस्टर्ब कर सकता है, और जिसे तुम दिल कहते हो वो मन और अंतस के बीच की बात है। जिसे हम दिल कहते हैं वो थोड़ा हिस्सा मन का है और थोड़ा हिस्सा तुम्हारे अंतस का है। इन दोनों को मिला के है दिल, उसमें पीड़ा होती, वो मिला हुआ है। अब इतनी जागृति हमारे भीतर नहीं है कि हम इसको क्लियर समझ सकें, तो अधिकतर हम दिल को हृदय मान लेते हैं। लेकिन एक बात ख्याल में रखना कि जहां तक तुम्हें पीड़ा हो रही, जहां तक कसमसाहट हो रही, अभाव लग रहा है, वो तुम्हारा हृदय नहीं। और ये चूंकि इतना हृदय से जुड़ा हुआ है अंतस, करीब करीब उसकी छाती पे ही बैठा है, करीब करीब उसी जैसा है, ऐसे समझिए। सेंटर बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही जगह से बातचीत होती है। जैसे मन और चित्त, ऊपर भी दो हिस्से हैं और नीचे भी दो हिस्से, एक मन है और एक चित्त है। मन बिल्कुल अलग चीज है और चित्त तुम्हारी निजता है। चित्त से मन को ऊर्जा मिलती है, हृदय से अंतस को ऊर्जा मिलती है। तुम्हारा जो भी अंतस है, जो जीवंतता अनुभव कर रहा है, वो हृदय के कारण कर रहा है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से बाहर आई है, कोई भी सूचना, सबसे बड़ी सूचना तो तुम लड़की हो, ये एक सूचना है। और फिर किसी की बेटी हो, फिर किसी की पत्नी हो, किसी की कुछ हो, अब ये सारी सूचनाओं से जो एक निर्माण हुआ ना हमारा झूठा, वो हमारा है अंतस, वो हृदय नहीं है। क्योंकि हृदय की कोई व्याख्या नहीं है, अंतस की तो बहुत व्याख्याएं हैं। अंतस दुखी होगा, सुखी होगा, कभी कभी बड़ा मजे में भी रहेगा और कभी कभी बिल्कुल वीरान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति साधक की होती है, क्योंकि साधक जब साधना में चलता है तो जाने अनजाने उसे हृदय की स्फूर्ण होती है, उसे पता नहीं होता। अब चूंकि वो हृदय की स्फूर्ण को अंतस में ढूंढता है, अंतस में बिठाने की कोशिश करता है, जब वो अंतस में जाता है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही वो अंतस में, क्योंकि जब बोध अंतस में जाएगा तो काला पीला सब जो भी है वो बड़ा बड़ा होकर दिखने लगेगा, और उसकी ऐसी पीड़ा है
अधिकतर तो हम ऐसा देखते हैं कि साधक का एक तरह से ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन हृदय का नहीं, ये झूठे अंतस का ऑपरेशन है। और ये झूठ जो है तरह से हम छोड़ने भी राजी नहीं है, उसका एक मूल कारण है। झूठ हम क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जीने के लिए जब तक आपके पास सच्चाई नहीं है तब तक किसी झूठ के सहारे आपको जीना पड़ेगा। झूठ एक भराव का अनुभव कराती है। मैं आज एक लेख पढ़ रहा था, हल्का सा उस एक किताब खोली मैंने और उसमें एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है बेटिंग फॉर गॉड इट। मतलब वो ऐसी किताब लिखी है, गजब की किताब, कि हम सब क्या कर रहे हैं कि किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो चीज आने वाली है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब वो किताब ऐसी है कि उसके कई पार्ट हैं, सुबह से शुरू होती है, दृश्य सवेरे शुरू होता है और शाम को ख़त्म हो जाता है, और वे आपस में बातें करते रहते हैं कि वो आएगा और वो नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया, बड़ी बेचैनी हो रही, परे अब तक तो आ जाना चाहिए, मतलब इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं और शाम हो जाती है, पर्दा गिर जाता, सवेरे आके फिर इकट्ठे होते, दूसरा सोपान शुरू होता, जो की तो बातें फिर होती है। जो उनकी कहानी नहीं है, जो सब हमारी कहानी, ये गौर करना बहुत गहरे से। कारण क्या है कि हम किसी के इंतजार में या कुछ करने में या कुछ होने में लगे ही रहते हैं, क्योंकि इससे एक झूठा भराव बना रहता, फिर हम साधना में लग जाते हैं। साधना में मतलब क्या होता है कि जो आदमी जहां खड़ा है, वो किसी न किसी चीज को हासिल करने की तमन्ना में खड़ा है। उसे आज तो वो बेरंग है, जहां बैठा है वहां बेरंग है, मजा देखो, जहां वो बैठा है बिल्कुल खाली है और किसी का इंतजार कर रहा है, कोई घटना का इंतजार कर रहा है, कोई बात हो जाएगी तो बात बन जाएगी, हर एक के सुबह से शाम तक। और फिर जितने रिश्ते नाते और जो सब चीजें, तो पत्नी मिल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये धन मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब सुबह से शाम तक अगर आप देखेंगे अपने को, तो आपके भीतर वो जो कहानी है, ये जो मैंने कही, ये पूरी की पूरी ज्यों की त्यों चल रही है। तो ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य इंतजार ही करता रहता है, सिवा इंतजार के और उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जैसे बस वो इंतजार करता रहता है। रोज सुबह उठता है और रोज उसका इंतजार शुरू होता है कि आज कोई काम हो जाएगा, आज कोई बात हो जाएगी और आज मुझे जीवन में तरक्की मिल जाएगी। और इस भ्रम से क्या होगा कि एक भराव बना रहता है और समय निकल जाता है, दिन कट जाता है, ऐसे समझ। अब ये जितने तरह के उपद्रव हम कर रहे हैं, ये सब समय काटने का आयोजन कर रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति ऐसा बैठे कि ना तो कुछ होने को है, ना कुछ पाने को है और ना कुछ खोने को है, ना कुछ पाने को हो, ना कुछ होने को हो, ना कुछ खोने को हो, कुछ भी नहीं, मतलब कोई प्लानिंग है ही नहीं, आप हैं बस पर्याप्त है। आपके चित्त में किसी भी तरह की कोई भी लहर होने की, पाने की, खाने की, मतलब खोने की बिल्कुल लहर नहीं है, और आप सिर्फ बैठे हैं बस उल्लू की तरह। क्योंकि हम जब कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने आप को समझदार मानते हैं, अकलबंद मानते, और कभी ये नहीं लगाते आइडिया कि 40 साल से यही तो कर रहे हैं। सुबह होती है
और हमारा यही तो धंधा होता है कि हम बस एक प्लानिंग में चल देते, यानी हम जहाँ होते हैं वहाँ से हम बिल्कुल राजी नहीं हैं, जिस जगह हम बैठे हैं उससे तो हम बिल्कुल राजी नहीं हैं। हाँ, बस अगले क्षण में कोई घटना जरूर बन जाएगी, तो वो जब तक चित्त में से ये भाव मिटेगा नहीं, ये भाव अब ये अंतस को बढ़ाने के लिए यही खेल चलता रहता है, ये अंतस नई चीजों से भरा है और उसने